गुड मॉर्निंग नाइन क्लास, कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल, जो चैप्टर है वो है हम बीमार क्यों होते हैं, और इसका लास्ट टर्म जो है आज वो है आपका टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, एक बच्चे को नर्स क्या कर रही है, इंजेक्शन लगा रही है। ठीक है ना, तो बचपन में आपको भी बहुत सारे लगे होंगे और आप रोए भी होंगे, है ना। तो टीके में क्या क्या लगते हैं बच्चों को, देखिएगा। पहला तो है आपका चेचक का टीका, ठीक है, टिटनस का टीका, टिटनस। फिर है आपका टिटनस, इसके बाद है डिप्थीरिया, काली खांसी, ठीक है। और पोलियो की क्या दी जाती है आपको, ड्रॉप दी जाती है ना, याद होगा आपको, दो गो जिंदगी की। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करती हैं, रोगों से बचाती हैं। टीकाकरण क्या करता है, हमको रोगों से बचाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तो हमारे शरीर में पहले से नेचुरल वे में क्या होती है, प्रतिरक्षा पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, टीकाकरण के द्वारा अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे ना, COVID-19 है, तो उसमें आपने सुना होगा ज़रूर कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको वो क्या कर रहा है, COVID-19 उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर रहा है, वो ठीक हो जा रहे हैं वो लोग, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनको COVID-19 हो जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है, ऐसा सुना होगा बच्चों आपने। तो टीकाकरण क्या करता है कि और ये भी सुना होगा कि COVID-19 की वैक्सीन तैयार हो रही है, ठीक है, बहुत जल्दी वो मार्केट में आने वाली है। किसी भी वैक्सीन को बनने में क्या होता है, 18 महीने लगते हैं, तो उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। तो टीकाकरण क्या हो गया कि रोगों के प्रति, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जो रोगों को क्या हो सकती है, रोक सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टीकाकरण करते हैं, और बच्चे के जन्म के बाद ये टीकाकरण किया जाता है, जिससे कि हम बाहर से अपने शरीर में क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए टीके लगवाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे शरीर में नेचुरल भी होती है, लेकिन हम बाहर से भी क्या कर सकते हैं, टीकों के जरिए अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या हुई कि शरीर में रोगाणुओं के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। शरीर में ऐसा तंत्र जो रोगों के प्रति क्या करे, लड़ सके और हमको रोगग्रस्त होने से बचा सके, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में चेचक जो रोग है उसके बारे में, या उसका जो टीका सबसे पहले तैयार किया था, उनका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो चेचक का टीका बनाया था उन साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो वो क्या थे, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ग्वाला है, वो रोज गाय चराने जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या हुआ था, पहले गो चेचक हो गई थी, ठीक है, तो काउपॉक्स बोलते हैं इसको, गो चेचक हो गई थी। लेकिन जब महामारी के समय, जब सबको, जैसे आजकल महामारी चल रही है ना कोरोना की, तो उस महामारी में उस बच्चे को गो चेचक नहीं हुई, तो उन्होंने ये पता लगाया कि इसको पहले गो चेचक हो गई थी, तो इसका शरीर इन रोगाणुओं के प्रति क्या था, अलर्ट था। लेकिन तो महामारी के समय उसने क्या करा, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और जिससे वो बच्चे को दोबारा चेचक नहीं हुई, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि परंपरा के अनुसार भारतीय और चीनी चिकित्सा तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को रगड़ दिया जाता है, जिससे ऐसी आशा की जाती है कि चेचक की मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इस बच्चे को क्या हुआ, महामारी के समय वो चेचक नहीं हुआ, ठीक है। और गो चेचक क्या, देखिए चेचक का बैक्टीरिया गो चेचक का वायरस का निकट संबंधी था, ठीक है। लैटिन में काउ, इसका अर्थ होता है वक्का, यानी कि काउपॉक्स, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, चेचक कह रहे हैं। तो जो टीकाकरण किया जाता है उसमें एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब भी हम टीकाकरण करते हैं, ठीक है, टीकाकरण या वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पैथोजन, जैसे आप चेचक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चेचक के रोगाणुओं की, ठीक है, चेचक के रोगाणुओं के मृत रोगाणु या कमज़ोर रोगाणु,
ठीक है, या तो क्या होंगे, मृत होंगे या तो कमजोर रोगाणुओं को क्या कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में टीके के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा क्या करा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाते, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा प्राकृतिक सिस्टम शरीर में ऑलरेडी पाया जा रहा है ठीक है प्रतिरोधक क्षमता, तो वो क्या करती है, अलर्ट हो जाती है। और जब दोबारा कभी इस वक्त क्या हो रहा है, चेचक उनको होने होगा या उसके आसपास चेचक के लोग होंगे, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता पहले विकसित की गई थी टीके के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और उसको वो रोग नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो टीकाकरण क्यों किया जाता है, टीकाकरण इसलिए किया जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या किया जाता है, रोगाणुओं के मृत या कमज़ोर रोगाणुओं को प्रवेश कराया जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, व्यक्ति बीमार, बच्चा बीमार तो नहीं पड़ेगा लेकिन उसका शरीर उन रोगों के प्रति क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है ठीक है। और भविष्य में कभी जब ये रोग उसके पास आएगा तो उसका प्रतिरोधक जो तंत्र है ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है ठीक है, इसलिए वो रोगग्रस्त नहीं होते। अब देखिए जो दूसरा हमारा टर्म है वो है कि क्या जब हम बीमार होते हैं तो हम ठीक कैसे होते हैं, तो बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हम बीमार हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं, एक तो किसके वजह से होते हैं, वायरस ठीक है, वायरस के कारण होते हैं ठीक है, विषाणुओं के कारण होते हैं, दूसरा किसके कारण होते हैं, फंजाई के कारण होते हैं, तीसरा किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप के वजह से हम क्या हो रहे हैं, रोगाणुओं के बीमार हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जो प्रत्येक वर्ग के जो ये हैं, ये चीज़ें हैं, फंजाई है, वायरस है, ये अलग अलग प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं को शरीर में करते हैं, तो इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, दवाई दी जाती है ठीक है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं जो इन वायरसों को क्या करती है, मारने का काम करती है। आपने देखा होगा ना, जब भी हमें नॉर्मल बुखार या सर्दी जुखाम होता है तो हम क्या करते हैं, खाली सर्दी जुखाम की दवाई खा लेते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक होता है तो फिर हमको क्या खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ खानी पड़ती है ठीक है, जो कि क्या करता है, जो भी वायरसेस हमारे शरीर में हैं उनको क्या करेगा, मारेगा और हमारे शरीर को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। और डॉक्टर हमें क्या देते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं हमें आराम करने की सलाह दी जाती है ठीक है, आराम करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो आराम करने से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या होगा, संरक्षण होगा, जिसके वजह से हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी हम क्या होते हैं, इम्प्रूव या ठीक हो जाते हैं ठीक है बच्चों। और अच्छा, आपकी बुक में क्रियाकलाप दिए गए हैं कि आप अपने मोहल्ले का ठीक है, आप अपने मोहल्ले का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे ठीक है, और 10 परिवारों से क्या करेंगे, बात करेंगे। आजकल तो अब लॉकडाउन में से मुमकिन नहीं है, फिर भी अगर आपके आसपास कोई हो तो वहाँ पर क्या है, कुछ लोगों से आप ठीक है, 5-6 लोगों से आप बात करेंगे ठीक है, या अपने ही परिवार के लोगों से बात करेंगे कि वो एक साल में कितने बार बीमार हुए और कितना टाइम उनको क्या लगा, ठीक होने में लगा ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कौन कौन से सामान्य रोग हैं जो हमको होते रहते हैं, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही होते हैं ठीक है। तो जिसको रोग जितने कम होंगे इसका मतलब क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, उतनी अच्छी होगी है ना। जिसको रोग क्या होंगे, कम से कम बार होंगे, तो उसकी मतलब उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी ठीक है, ज़्यादा होगी, इसलिए तो वो कम बीमार पड़ रहा है। और जो बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, कम होगी है ना। फिर आप दूसरा देखेंगे कि जिसका रहन सहन उच्च स्तर का होता है, यानी कि जो क्या करते हैं, हमेशा साफ़ सुथरे जगह पे रहते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं है ना, तो वो लोग क्या होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। और जो है क्या है, गरीब परिवारों से आते हैं या जो कि झोपड़ियों में रहते हैं ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुले में रहते हैं ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है।
ठीक है। तो ये सब आपने क्या करना है, एक सर्वे करना है, अपने परिवार का भी कर सकते हैं, आसपास में अगर बच्चे हो तो उनका भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन एक साल के अंदर कितना बीमार हुआ, क्यों बीमार है, बीमारी का कारण क्या है, फिर उसने कौन सी दवाइयाँ खाई, कौन कम बीमार हुआ, कौन ज़्यादा बीमार हुआ। तो कम बीमार जो होगा वो क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो बार बार बीमार पड़ा उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर क्या हो रहा है, यह आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिर अब मैं नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा, और जिसको भी चैप्टर समझ में नहीं आया तो फिर वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।